तो प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है। ऐसे में अन्य राज्यों से झुंझुनू आ रहे मजदूर और छात्र वर्ग को लेकर एक खास मॉडल तैयार किया गया है। आपको बता दें कि झुंझुनू प्रभारी डॉक्टर प्रताप सिंह ने दूसरे प्रांतों से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग के लिए यह मॉडल तैयार किया है, जिसके तहत सीमा में प्रवेश करते ही स्क्रीनिंग पर क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है, जहाँ सैंपल लेने के बाद चिकित्सा अधिकारी की टीम जाँच करेगी, फिर होम क्वारंटाइन या संस्थागत क्वारंटाइन किया जाएगा, जहां संबंधित अधिकारी हाथों पर मोहर लगाकर घरों के बाहर नोटिस लगाना, सूची तैयार करना और पूरी निगरानी रखने का काम करेगी। इस मॉडल के चिकित्सा विभाग के एसीएस रोहित कुमार ने भी तारीफ की है और इसे प्रदेश भर में लागू भी किया जा सकता है। स्क्रीनिंग के लिए जिले ने जो मॉडल अडॉप्ट किया है, ये भारी संख्या में झुंझुनू जिले में यहाँ के प्रवासी महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य प्रांतों में रहते हैं जो अभी झुंझुनू जिले में आ रहे हैं। अनुमानित एक संख्या है कि 25 से 30 हज़ार के बीच लोग यहाँ आएंगे। तो एक हमने मॉडल तैयार किया है कि किस तरह से हम जिले में इनको स्क्रीनिंग करके एंट्री देंगे और घर तक सुरक्षित पहुँचाएंगे। जिले के सीमा पे टोटल 41 जो है वो चौकियाँ बनाई गई हैं, हर चौकी पर मेडिकल टीम लगाई गई है, वो मेडिकल टीम उसको स्क्रीनिंग करके